हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग केवल बात करने वाले हैं केवल और केवल अडानी ग्रुप के बारे में, जहाँ आज आप लोग देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप के पूरे सभी स्टॉक्स में गिरावट तो देखने को ऐसी तो देखा जाए तो 2 महीने से अडानी स्टॉक्स में गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से कई दिनों के बाद जो इतने बड़े सर्किट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, देख सकते हैं 4-5% 7-7% तक का जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो 10 में से 5 से 6 कंपनियों का सर्किट में गिरावट देखने को मिला है। तो क्यों इस प्रकार का गिरावट हुई है, क्या न्यूज है, बड़ी न्यूज क्या है? देखो, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, राइट। एंड इसी चीज के चलते हम लोग को अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सो खरीदना है, नहीं खरीदना है, बाय करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस यहाँ पे रहेगी। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस आज यहाँ पे गिरे क्यों, तो दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अभी रिपोर्ट की बात करते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या हिंडनबर्ग? नहीं, हिंडनबर्ग तो अभी पैसा कमाकर दूसरे कंपनी के पीछे लग चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। तो अभी कौन सी रिपोर्ट आई है, द केन की रिपोर्ट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिपोर्ट जैसे यहाँ पे आई, मतलब बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयर में जो गिरावट देखने को मिली है, आज के दिन 2-3 खबरें देखने को मिली, बट इसमें से मेजर रीजन अगर देना है, या फिर बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच अगर किसी रीजन को देना है, तो आप इसी रीजन को यहाँ पे दे सकते हो। सो उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है, एंड इसी चीज के चलते ये शायद से पैनिक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, इतना बोल रहे हो, बट रिपोर्ट में है क्या? सो दोस्तों द केन इस रिपोर्ट ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं इस चीज के चलते। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बीच में अदानी ग्रुप ने बहुत कर्जे को पे किया था, कितना? लगभग $2.15 बिलियन का कर्जा उन्होंने यहाँ पे किया था। सो ये रिपोर्ट उस ग्रुप को यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली पूछ रहा है, क्या अपने वाकई में ये कर्जे को पे किया है भी या नहीं? ये मैं नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये रिपोर्ट ने बातें बोली है, मेरे बोलने से कोई मार्केट में सुनेगा भी नहीं, राइट। ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स होते हैं उनका मार्केट में यहाँ पे सुना जाता है, आप देख भी सकते हो इस शेयर में हम लोग को, पूरे ग्रुप के शेयर में हम लोग को बिकवाली देखने को मिली। सो एक्चुअली रिपोर्ट किया है कि नहीं डेट, कितना? $2.15 बिलियन का, राइट। ये सवाल द केन फिलहाल तो रेस करते हुए देखने को मिला अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई तथ्य होगा, तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आ चुके हैं। देखिए जो भी सारी चीजें हैं ना, वो रिपोर्ट ने बताई हुई है, रिपोर्ट के अंदर कवर की हुई है, मेरे ओर से कोई बात नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं, डिस्पाइट द अदानी ग्रुप क्लेम कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ $2.15 बिलियन इन शेयर बैक्ड डेट, मतलब जो शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे एंड इसके चलते जो उन्होंने पैसा उठाया था, वो उन्होंने क्या कर दिया, वो कर्जे को चुका कर शेयर्स जो गिरवी रखे थे उनको अनप्लेज किया। ये बात उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप ने क्लेम की थी कि कंप्लीट रीपेमेंट उन्होंने किया है, एंड रेगुलेटरी में इस चीज का फाइलिंग भी उन्होंने यहाँ पे किया है। बट इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए द केन ने थोड़ा सा रिसर्च किया, एंड उन्होंने ये बात बताई है कि जो रेगुलेटरी फाइलिंग में अगर हम चीजों को देखें, शोज दैट द बैंक हैव नॉट रिलीज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रमोटर्स शेयर्स हेल्ड एज अ कोलेट्रल इंडिकेटिंग दैट द डेट हैज नॉट बीन फुल्ली पेड ऑफ। सो मतलब यहाँ पे अर्थ क्या है, तो दोस्तों देखिए एकदम सिंपल गणित में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 100 रुपया उठाया है, इसके चलते आपने 100 शेयर्स बैंक को गिरवी रखे हैं, ठीक है। अगर आप ये 100 रुपया वापस बैंक को अगर दे देते तो आपकी 100 शेयर वापस रिलीज हो जानी चाहिए, बट रेगुलेटरी फाइलिंग में ये पता चल रहा है कि 100 शेयर्स नहीं, एक तरफ ऐसा ये नंबर लिख लेता हूँ, 60, सिर्फ 60 शेयर्स ही रिलीज हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ये क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है, कि हमने कंप्लीट रीपेमेंट किया है, तो आपका पूरा का पूरा 100 के 100 शेयर्स आपके पास वापस आने चाहिए थे, बट वैसा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, जो कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट में इसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जा चुका है, बैंक हैव नॉट रिलीज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रमोटर्स शेयर हेल्ड एज अ कोलेट्रल। सो ये बात बताया जा रहा है कि शायद से डेब्ट को पूरी तरीके से पे नहीं किया जा चुका है, राइट। ये रिपोर्ट में फिलहाल तो हम कह सकते हैं ये सारी चीजों को मेंशन किया जा चुका है। सो दोस्तों थर्ड पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट ही ये क्लेम कर रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि ये उन्होंने इसलिए किया है, जो कि बता रहे हैं कि इट क्लेम दैट द ग्रुप हैज ओनली रिड्यूस द लोन अमाउंट थ्रू पार्शियल रिपेमेंट टू अवॉइड प्लेजिंग मोर शेयर्स एंड एनी एक्शन अगेंस्ट इट बाय द लेंडर। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर एक लिमिट के बाद वो जो शेयर्स आप गिरवी रखे और कर्जा देते हैं और उसकी वैल्यू अगर नीचे जाती है शेयर की, तो आपको बताइए कि आपको वो पैसे देने पड़ते हैं या फिर आपको और शेयर्स क्या करने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, राइट, मोर शेयर्स प्लेजिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे पार्शियल रीपेमेंट यहाँ पे किया है, ये किन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है, जिसको अदानी ग्रुप ये बता रहे कि उन्होंने पूरा कंप्लीट पेमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है, ये उनका यहाँ पे कहना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें से कुछ डेटा उन्होंने सामने निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हो, आफ्टर अदानी प्री पेमेंट अनाउंसमेंट बैंक हैव ओनली रिलीज द प्लेज शेयर ऑफ अदानी पोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। बाकी अगर हम लोग देखें तो वैसी की वैसी चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसमें और कौन से शेयर यहाँ पे, मतलब गिरवी जो रखे थे वो अनप्लेज यहाँ पे होने चाहिए, तो अदानी ग्रीन भी एंड उसी के साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन भी, ये भी बैंक्स ने क्या करना चाहिए, शेयर्स को गिरवी रखा था, वो अनप्लेज करना चाहता, रिलीज करना चाहता, अदानी ग्रुप को वापस देना चाहता, बट उन्होंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, एंड लगभग
हम कह सकते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद जैसे उन्होंने बोला है लगभग एक महीना यहाँ पे हो चुका है एंड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यूजुअली इस केसेस में अगर हम लोग बात करें, जो भी अगर आप पैसा दे देते हो बैंक्स को तो तुरंत उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, अनप्लेस किया जाता है। बट अभी तक अगर हम लोग बात करें तो ऐसी चीजें हम लोग को प्रॉपरली होती हुई दिखने को नहीं मिली है। ये सारी बातें केन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है एंड इसी चीज के चलते हम लोग को यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर में आज पैनिक देखने को मिला है। सो कुल मिला के स्टोरी क्या बनी? स्टोरी यही बनी दोस्तों कि जो $2.15 बिलियन का ये जो लोन अदानी ग्रुप क्लेम कर रहा था कि उन्होंने वापस दे दिया, राइट? सो देखा गया तो उससे रिलेटेड ये पूरा अमाउंट तो यहाँ पे नहीं है। ये फिलहाल तो केन अपने रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरा अगर जाता तो पूरे शेयर्स वापस आने चाहिए थे, बट अभी तक वो ऐसा देखने को नहीं मिला है। सो अभी इस रिपोर्ट के चलते क्या अदानी ग्रुप कोई क्लैरिफिकेशन देगा, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बट उनका क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही हम लोग अगर बात करें तो एंटायर ग्रुप में जितने भी मतलब जिनके पास शेयर्स थे उन्होंने यहाँ पे बिकवाली करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सो यही चीजें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी आज लगभग 6-7% हम लोग को गिरते हुए देखने को पे मिला है। देन दोस्तों जैसे मैंने कहा कि तीन खबरें हैं उसमें से तो ये एक मेजर खबर हो गई जो कि आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों सेकंड न्यूज की बात करें वो है अदानी पोर्ट से रिलेटेड। अदानी पोर्ट भी लगभग 5-6% गिरते हुए देखने को मिला है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो हाइफा पोर्ट हम लोग को जो इसराइल से रिलेटेड डील अभी हाल ही अदानी ग्रुप ने यहाँ पे की थी, राइट? तो वहाँ पे जो काम है वो हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हॉल्ट क्यों रहा है तो आपको पता ही कि इसराइल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस चीज के चलते उनका काम हम लोग को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मुश्किलें आती है तो एक साथ आती है, उसका बेस्ट उदाहरण आप यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड देख सकते हो। तो इसी चीज के चलते अदानी पोर्ट में भी हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज तो होलसिम ग्रुप आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो ये कौन सा है? तो दोस्तों होलसिम ग्रुप इसी के पास था एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। सो एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप ने किसे खरीदा? होलसिम ग्रुप से तो खरीदा है। सो खरीदा मतलब कैसे खरीदा? क्या उन्होंने कैश का पेमेंट किया? नहीं, उन्होंने इसको उधारी के फॉर्म में खरीद लिया, कर्जा लेकर यहाँ पे खरीदा। ऑब्वियसली कर्जा लिया है तो कर्जा तो वापस देना पड़ेगा। एंड फिलहाल अदानी ग्रुप आपको पता है कि पैसों की तंगी के चलते बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। सो फिलहाल एक और खबर सामने आ रही है जो कि आप देख सकते हो कि अदानी सीक मोर टाइम टू पे एसीसी अंबुजा डेब्ट। ऑब्वियसली बहुत ही हैवी कर्जा है एंड इसी चीज के चलते आप देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट के ऊपर वायर की बात करें अदानी ग्रुप सीकिंग मोर टाइम टू रीपे डेब्ट एसोसिएटेड विद एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट। रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने पड़ी। याहू न्यूज की भी बात करें तो सेम चीज आप लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे देखा गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही था कि ग्रुप बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन से गुजर रहा है एंड इनको जो इतना हेवी कर्जा इन्होंने यहाँ पे उठाया है उसको रीपेमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। कितनी बार वो अपने असेट्स को बेचते रहेंगे? एक बार बेचेंगे ठीक है चल जाएगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में, बट बार बार अगर करेंगे तो ये बहुत नेगेटिव साइड रहेगा। ऐसा हो जाएगा कि प्रमोटर ही निकलते जा रहे करके, राइट? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एसीसी अंबुजा से रिलेटेड जो उन्होंने कर्जा लिया था उस टाइम पीरियड को वो एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। रफली बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खबरें रिपोर्ट के जरिए है, राइट? तो बताया जा रहा था कि 18 महीने का जो टाइम था उसको 5 साल तक एक्सटेंड करने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो अभी ऑब्वियसली होलसेल ग्रुप में भी यहाँ पे उसको मानना पड़ेगा क्योंकि उनके भी अपने अपने प्लानिंग्स रहेंगे कि पैसा आएगा तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। सो वो भी सारी चीजें एक्सेप्ट यहाँ पे होनी चाहिए। तो देख लेते हैं अभी आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है करके। बट ओवरऑल ये जो चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है कि चीजों को पोस्टपोन यहाँ पे करने से रिलेटेड जो बातचीत देखने को मिल रही है, प्लस ये जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि उन्होंने जो कर्जा पे किया है बताया जा रहा है कि कंप्लीट पे किया बट वैसा नहीं है करके, और भी शेयर्स यहाँ पे अनप्लेज होने चाहिए बट वो नहीं हुए, एंड जो पोर्ट से रिलेटेड जो इसराइल से रिलेटेड जो बात है वो चलिए ठीक है, वो तो एक नॉर्मल चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इन सभी चीजों को अगर हम कंसोलिडेट करें ऐड करके देखें तो इसी चीज के चलते एंटायर अदानी ग्रुप में आज हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जो बाकी के शेयर है पावर आप देख सकते हो सर्किट में देखने को मिल रहा, विलमार अगेन सर्किट में देखने को मिला, ट्रांसमिशन सेम वही चीज, ग्रीन की बात करें तो वही चीज, टोटल की अगर हम बात करें तो वही चीज, एनडीटीवी की बात करें तो मतलब सभी ग्रुप में हम लोग को ये जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे यही मेजर तीन रीजन हम लोग को देखने को मिले थे। बट सबसे मेन रीजन जो था जैसे मैंने आप लोगों को बोला वो जो पहला वाला रीजन था जो नई रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है इसी चीज के चलते पैनिक देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।